तो मुंबई के ब्रह्म कुमार भ्राता रमेश जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि पिताश्री से मेरी पहली मुलाकात आज से 50 वर्ष पहले हुई थी। तो तब पिताश्री मुंबई में आए हुए थे, आज भी वह दृश्य मुझे याद आता है। उस समय तो मैं इस ईश्वरीय ज्ञान से परिचित नहीं था और मुझे यह भी पता नहीं था कि यह आत्मा और शरीर दोनों भाग्यशाली है और कि पिताश्री का शरीर परमपिता परमात्मा के अवतरण के लिए इस कलयुगी सृष्टि में साकाररत है। फिर भी जब मैंने पिताश्री को पहली बार देखा तो यद्यपि मुझे उनकी महानता का परिचय नहीं था, तथापि अस्पताल के एक कमरे में लेटे हुए उनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अजंता और एलोरा की गुफा में शिला पर लेटे हुए गौतम बुद्ध को देख रहा हूं। एक धर्म संस्थापक का ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो होता है ही है कि उससे मिलने वाले सामान्य नर पर उसका प्रभाव पड़ता है, उतना सामान्य व्यक्तित्व पिताश्री का था। उनका स्थान वास्तव में एक धर्म संस्थापक से भी बड़ा है। यह बात तो मुझे बाद में मालूम हुई, परंतु यह संकल्प तो मेरी बुद्धि में तब से ही चल रहा था कि यह अवश्य ही कोई बहुत महान आत्मा है। तो आदर्श ट्रस्टी और अति विनम्र, एक सामान्य घर को चलाने में भी हम सबके नाक में दम आ जाता है, परंतु इतनी बड़ी संस्था का प्रारंभ करके उसके 1,500 से भी अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना तथा पालना करते हुए भी पिताश्री सब बातों से उपराम रहकर निश्चिंत और निरसंकल्प रहते थे। ये तो तभी का बात है, 1957-58 की बात है। तो यदि कोई ट्रस्टीपन का सिद्धांत सीखना चाहे तो उसके लिए पिताश्री एक प्रैक्टिकल आदर्श थे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके सफल किया। अपने पुरुषार्थ से समग्र मानव संप्रदाय में और सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम और 100% सुख संपन्न प्रथम श्री नारायण का पद पाया। पुरुषार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इस सृष्टि रंगमंच पर उपस्थित 600 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्यात्माओं में से उन्होंने पहला नंबर पाया। तो 600 करोड़ अभी तो 700 हो गया, 700 के ऊपर। तो एक सामान्य विद्यालय या महाविद्यालय में प्रथम आने पर जितनी खुशी होती है उससे करोड़ों गुना अधिक उच्च पद पाने का सौभाग्य मिलने पर भी वे सबसे न्यारे थे। उन्हें अपने पद पर अभिमान भी कभी नहीं था और वे सदा ही नम्रचित रहते थे। तो हर तरह से एक आदर्श व्यक्ति। पहले नंबर का पद पाने के लिए पहले नंबर का विद्यार्थी बनना पड़ता है। अब हम सभी यह जानते हैं कि परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के सच्चे शिक्षक है। वे पिताश्री के तन द्वारा मुरली सुनाते थे, परंतु जब हम साक्षी होकर विचार करते हैं तो ख्याल आता है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि मुरली चलाते चलाते परमपिता परमात्मा अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए उसी सौभाग्यशाली रथ में थोड़े समय के लिए छुट्टी लेते होंगे। तो मुरली करते समय शिव बाबा सडनली चले जाते होंगे। परंतु यह आदर्श विद्यार्थी इतनी आसान रीति से अपने शिक्षक का स्थान भरकर मुरली का कार्य चालू रखते थे कि यह अंतर बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम ब्राह्मणों को मालूम पड़ता था।
तो जो बहुत कम लोग थे जो मुरली क्लास अटेंड करते थे तभी बाबा के टाइम पे, उनको तभी मालूम पड़ता था। कभी कभी शिव बाबा बीच में चले जाते थे और ब्रह्मा बाबा क्लास को कंटिन्यू रखते थे। तो बहुत ही सटल डिफरेंस था उनके विचारों में। तो कोई कोई को, बहुत कम लोगों को पहचान था कि ओ अभी शिव बाबा चले गए, अभी सिर्फ ब्रह्मा। तो परंतु यह आदर्श विद्यार्थी इतनी आसान रीति से अपने शिक्षक का स्थान भरकर मुरली का कार्य चालू रखते थे कि यह अंतर बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम ब्राह्मणों को मालूम पड़ता था। अर्थात ये ब्रह्मा बाबा आदर्श विद्यार्थी इतनी अच्छी रीति से अपने शिक्षक परमात्मा का ज्ञान दान देने का कर्तव्य करते थे कि दोनों की वाणी में बहुत ही सूक्ष्म भेद रहता था। उनकी वाणी में उतनी शक्ति, भाषा में दिव्यता, शब्दों में ललकार, शैली में सौजन्यता कि वो वाणी अंधे को रोशनी, लूले को सहायक और गूंगे को संकेत, उलझे हुओं को सुलझाने वाली तथा अशक्त को शक्ति प्रदायक थी। जब हम नए थे तब एक बार मुंबई में हम बाबा के साथ घूमने गए थे, तब मैंने एक छोटा सा प्रस्ताव बाबा के सामने रखा। बाबा, जब आप ज्ञान मुरली चलाते हैं तब मुरली की पॉइंट्स कॉपी में नोट करने का मन होता है, साथ साथ यह भी मन होता है कि उस समय आपके मुख कमल की तरफ देखते हुए ज्ञानामृत का पान करते रहें। आप अपनी मुरली के लिए तैयारी जरूर करते होंगे, तो वो तैयार नोट्स हमें जरूर पहले से दे दीजिए ताकि बाद में उनकी नकल करना आसान हो जाए और उस समय हम केवल मुरली सुने। तो देन पिताश्री मुरली चलाने से पहले नोट्स माना भाषण की रूपरेखा बनाते होंगे। ऐसी कल्पना इसलिए हुई कि सब बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, शास्त्री ऐसे भाषण तैयार करते हैं। मैंने सोचा कि जैसे एक वकील या बैरिस्टर अपने ब्रीफ माना, क्योंकि रमेश भाई खुद लॉ भी पढ़े थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, तो दोनों थे, तो उनको लगा कि ब्रह्मा बाबा नोट्स बना के आते होंगे तो इसलिए वो पूछा होगा। तो पिताश्री मुरली चलाने से पहले नोट्स बनाते होंगे। तो शास्त्री ऐसे भाषण तैयार करते हैं, तो ये मन में उनका विचार आया। मैंने सोचा कि जैसे एक वकील या बैरिस्टर अपने ब्रीफ तैयार करता है वैसे ही बाबा भी करते होंगे। मैंने जब ऐसा निवेदन किया तो उन्होंने पूछा कि कौन से नोट्स। जब मैंने अपना संकल्प बाबा के सामने स्पष्ट रूप से रखा तो वे बोले, मैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं करता। पिताश्री ना कोई किताब पढ़कर सुनाते, ना किसी किताब का ब्योरा अथवा हवाला देते। बाबा थोड़े ही समय अखबार पढ़ते थे, परंतु मुरली के लिए किसी भी प्रकार की पहले से तैयारी नहीं करते थे कि बल्कि जो कहना होता था वह तत्काल ही कहते थे, माने प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्ट। उनकी स्वतः रफुरित वाणी उनकी बुद्धि के चमत्कार और विचारों की गहराई का प्रतीक है। व्यर्थ संकल्पों में से बचने की शिक्षा। एक बार हम मुंबई से पुनः पिताश्री के साथ कार में गए। रास्ते में एक स्थान पर बैठकर नाश्ता किया। वापस लौटने समय मैंने उसी स्थान को याद किया। तब पिताश्री ने कहा, बच्चे ऐसी बातों को क्यों याद करते हो, याद उसको करो जिसमें कमाई हो, बाकी सब यादें फालतू चिंतन है और उनमें समय तथा शक्ति की बर्बादी तो है ही। बाकी सब जो शिव बाबा को याद करते तभी शक्ति बढ़ते हैं, बाकी सब याद हमको शक्तिहीन करते हैं। तो बाबा इसलिए बोला कि ये सब फालतू बातें छोड़ो। इसलिए तो वे सबसे पहले कर्मातीत बन सके। तो सेवा कार्य के लिए शिक्षा निर्देश तथा पैरवी माना देखरेख।
जब हम नए थे तब मुंबई में रोज सुबह पिताश्री के साथ गार्डन में घूमने जाते थे, तब वहां ईश्वरीय सेवा कैसे करनी चाहिए वह बाबा ने हमें सिखाया। उन दिनों अपना चार पुष्ट का एक फोल्डर नया नया छपा था। गोल्ड गार्डन में आए हुए व्यक्तियों को कैसे ईश्वरीय संदेश देना चाहिए, पिताश्री उसके बारे में हम नए नए तरीके सिखाते थे। तो हम सामान्य विद्यार्थी तो प्रदर्शनी के चित्रों पर एक बार जो व्याख्या सीख लेते हैं उसकी को बार बार दोहराते रहते हैं, मतलब रिपीट करते रहते हैं, परंतु पिताश्री तो आदर्श शिक्षक थे तो इसलिए वे अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित करते थे ताकि वे ईश्वरीय ज्ञान का संदेश सबको विविध तरीकों से दे सके। उन्हीं दिनों अनेक अमेरिकन सन्यासी भारत की यात्रा पर आए थे। उनसे मिलने का समय दोपहर में था। पिताश्री ने हमें बताया कि उनसे ज्ञान की क्या-क्या बात करनी है। वे हमें समझाने के कार्य में अपने आप को इतना भूल गए कि वे नंगे पांव लिफ्ट तक आए, अर्थात हमारी तैयारी सदैव संपूर्ण रहे और हमारा पुरुषार्थ भी शत प्रतिशत रहे। उसी बात के लिए पिताश्री अपने शरीर के कष्ट का भी ख्याल नहीं रखते थे। पिताश्री केवल हमें ईश्वरीय सेवा पर भेजते समय ही नहीं बल्कि हमारे वापस लौटने पर भी हमसे पूछते थे कि हमने वहां क्या समझाया। तो बाबा बहुत क्लोजली ये सब नोट करते थे। वे समाचार की पूरी लेन देन करते थे, अर्थात पिताश्री का आदर्श शिक्षक का रूप हम सबको ध्यान में रखने जैसा था। मुंबई में जब एक बार पिताश्री आए तब उन्होंने ज्योति स्वरूप के चित्र पर, जो कि दिल्ली में छपा था, बताया कि परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। इस बात का विशेष रहस्य जानने के लिए मैंने जब पिताश्री से प्रश्न पूछा तब उन्होंने बताया कि यह चित्र छपवाया तो गया है परंतु कई बच्चों ने इसको इस्तेमाल गलत किया है। वे योग में बैठते समय इस चित्र को आगे रखकर चित्र के साथ योग लगाते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वे परमात्मा के रूप के साथ ध्यान लगाते हैं। अब यह रसम भी तो भक्ति मार्ग की है और इस तरह भी सच्चा योग नहीं लग सकता, तो पिक्चर के रूप में। इसी कारण बाबा को आज ऐसी मुरली चलानी पड़ी। ऐसा जब पिताश्री ने हमको समझाया तब मालूम पड़ा कि सूक्ष्म बातों का गलत तरीके से तथा किसी भी गलत विधि या साधन का इस ज्ञान में इस्तेमाल हम बच्चे ना करें, इसके लिए पिताश्री सदा जागरूक रहते थे। हम बच्चे कई बार भक्ति मार्ग के शब्द जैसे कि ब्रह्म कुमारी आश्रम आदि प्रयोग में लाते हैं, परंतु पिताश्री ऐसे भक्ति मार्ग के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते थे। कभी कभी हम बाहर वाले कभी कभी सुनाते थे आपकी आश्रम, तो बाबा कभी नहीं बोलते थे ये आश्रम। बाबा हमेशा बोलते थे ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। तो परिस्थिति को तथा सामने वाले व्यक्ति के मन को पहचानने अथवा समझने की अद्भुत शक्ति पिताश्री में थी। तो मिलने के लिए आए हुए व्यक्ति किस विचार को लेकर सामने आए हैं, पिताश्री तुरंत इस बात को जान लेते। उनके मन को जीतने का अद्भुत तरीका पिताश्री के पास था। मातेश्वरी जी ने जब शरीर छोड़ा तब कई बच्चे मधुबन में आए थे। उसी समय कई कन्याएं भी मधुबन आई थी। तब हमको विचार आया कि मधुबन में कन्याओं के लिए एक सेमिनार का कार्यक्रम रखा जाए। वहां जितनी भी कन्याएं थी उनके सामने विचार रखा, सबको वह पसंद आया। फिर हम पिताश्री के पास गए। हमारे द्वारा पिताश्री जी के सामने विचार रखे जाने से पहले ही उन्होंने कहा, बच्चे सेमिनार करना चाहते हो तो जरूर करो। तो वो दिल की बात
जानते थे। बाबा ने तुरंत ही एक बैंड को बुलाकर सारा हवाई महल कन्याओं के लिए खाली करा दिया। उसी तरह जब मुंबई में प्रदर्शनी का पहला सेट बन रहा था, तब दो सेट एक साथ में बनवाए थे। जब हम पिताश्री से दिल्ली में मिले, तब हमने यह आशा रखी कि हम कोलकाता जाकर अपनी प्रदर्शनी का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पास चित्रों का दूसरा सेट तैयार है। तो एक क्षण में पिताश्री ने सब बातें सोच ली और तुरंत उस बात का प्रबंध करके दिया। कोलकाता में कौन सी परिस्थितियां सामने आएगी, उसका भी अंदाजा लगाकर समझाया, जिससे ऐसा लग रहा था कि पिताश्री कोलकाता में सदा काल से रहते थे। तो उसी दिन रात को दिल्ली से डायरेक्ट एक भाई को कलकत्ता भेजा तथा हमको मुंबई जाकर चित्रों सहित कोलकाता पहुंचने का आदेश दिया। तो पिताश्री विनोद प्रिय भी थे, विनोद में भी ज्ञान देने की उनकी शक्ति अलौकिक थी। एक बार मधुबन में एक छोटा सा सिंपोजियम तो रखा था, तो पिताश्री ने कहा कि मैं उसका उद्घाटन करने के लिए आऊंगा। ठीक 9:30 बजे जैसे कोई चीफ मिनिस्टर या गवर्नर उद्घाटन करने के लिए सजे सजाए वेश में आते हैं, उसी तरह पिताश्री आ गए और साथ में सिंपोजियम में क्या करना चाहिए उस बात को अच्छी रीति समझाने के लिए गीता का भगवान कौन उसके 3 चित्र लाए और कहा कि इस विषय पर अच्छी रीति से एक नया चित्र बने, उस पर आप सब विचार करना। हम बच्चों की बुद्धि सदा ज्ञान के मंथन के कार्य में लगे रहे, इस बात का ख्याल पिताश्री जी को रहता था। मेरे जीवन में परिवर्तन का कारण भी पिताश्री थे। 1953 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय होते हुए भी मेरी बुद्धि इस ईश्वरीय ज्ञान की कई बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो रमेश भाई का मदर आए थे पहले, तो उनके वजह से रमेश भाई को ब्रह्म कुमारी के बारे में पता चला। बट 1953 में उनका मदर आई थी, बट आई थिंक 4-5 years लगा उनको आने के लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्रों के अटपटे ज्ञान तथा अभिमान के कारण इस ज्ञान को समझते हुए भी मेरे मन में इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती थी, क्योंकि वो पांडुरंग शास्त्री का राइट हैंड था रमेश भाई, तो तभी वो बहुत ही इन्वॉल्व्ड थे उसमें स्वाध्याय में। तो बाबा बोलते हैं, फिर भी पिताश्री ने हमको मधुबन आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए 1961 में हम सब मधुबन गए थे। वहां पर सम्मुखी कई भाई बहनों से बात हुई, कईयों के अनुभव सुने। पिताश्री के साथ में 8-10 दिन रहने का मौका मिला, परंतु मेरा दिल पिघला नहीं था। तो कितना हुआ, 53-61, 8 साल हो गया था। तो विदाई लेने का क्षण आ गया और विदाई देने के लिए पिताश्री मधुबन के पिछले रास्ते के वट वृक्ष तक आए। तो पिताश्री के नयनों में विदाई देते देते रफ्टिक समान प्रेम के 2 मोती चमकने लगे। वे अनमोल मोती देकर मेरे मन में बिजली चमक उठी, मन की चेतना जाग उठी, धड़कन तेज हो गई और एक क्षण मात्र में दृढ़ संकल्प हुआ कि देखो पिताश्री का दिल कितना निर्मल और प्रेम संपन्न है। इतने महान व्यक्ति होते हुए भी वे मेरे जैसे व्यक्ति को प्यार दे रहे हैं। निस्वार्थ प्यार देने का महान कर्तव्य महान अलौकिक विभूति ही कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं आज से असत्य ज्ञान वाले बगुले की बजाय पिताश्री के नयनों में चमकता हुआ मोती चुगने वाला हंस बनूं। तो जो कार्य हजारों शब्दों से नहीं हो सका, वह कार्य पिताश्री के नयनों की 2 प्रेम की बूंदों अथवा
मोतियों ने किया। एक बाबा को याद करेंगे। शांति की शक्ति से शांति जग में राज है, शांति की शक्ति से शांति जग में राज है, शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कभी कभी बीज डालने के बाद बहुत समय लगता है उनको निश्चय होने के लिए कि ये परमात्मा है। तो रमेश भाई को 8 साल लगा। तो बाबा बोलते हैं इतने महान व्यक्ति होते हुए भी वे मेरे जैसे व्यक्ति को प्यार दे रहे हैं। निस्वार्थ प्यार देने का महान कर्तव्य महान अलौकिक विभूति ही कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं आज से असत्य ज्ञान वाले बगुले के बजाय पिताश्री के नयनों में चमकते हुआ मोती चुगने वाला हंस बनूं, जो कार्य हजारों शब्दों से नहीं हो सका वह कार्य पिताश्री के नयनों की दो प्रेम की बूंदों अथवा मोतियों ने किया। वट वृक्ष के नीचे कड़े हुए पिताश्री की वह झलक आज भी बुद्धि में तरोताजा है। तो ये रमेश भाई का अनुभव बाबा के साथ।